और देखिए जैसे अचानक हम यहाँ पर पहुंचे हैं खनौरी बॉर्डर पे, देखिए फिर से एक बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए आंसू गैस के कई सारे ये इस और ये देखिए फिर एक गिला गोला जहाँ हम खड़े हैं बिल्कुल यहीं पर एक आंसू गैस का गोला गिरा है। और इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, जैसे फेंके जाते हैं किसानों ने पानी के टैंकर रखे हैं और तुरंत जैसे ही गोला गिरे देखिए धाए धाए पर आवाज जो आप सुन पा रहे हैं ये दरअसल आंसू गैस के गोले हैं। हवा की रफ्तार कई बार मेहरबान हो जाती है वरना जलन हो और तुरंत पानी के जो ये आप देख रहे हैं टैंकर लगाए गए हैं इससे उन पर छिड़काव कर देते हैं ताकि जो उसका असर कम किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद आंसू गैस के गोले हैं कई सारे हमें वो लेकर के आ जाए और लगभग दिन भर होता है। ठीक आप समझिए धुएं के गुबार के पीछे हरियाणा की वो सीमा है जहां पर हरियाणा पुलिस अर्धसैनिक बल रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी हैं, किसानों को आगे जाने से रोक रही हैं। एक बार ये सीमा टूट गई तो संभवतः इन्हें आगे रोकना मुश्किल होगा और इसीलिए देखिए आंखों के आगे कुछ भी बोलना देखना बहुत मुश्किल होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर देखिए कई सारे किसानों को चोटें आई हैं, खून के निशान है और जैसे आप आगे बढ़ते हैं कुछ भी देख पा रहा बहुत मुश्किल है। अब ये इतने सारे जो किसान है हालांकि इन्होंने अपनी रणनीति अपनाई, जैसे गोले आते हैं उसको बोरे से ढक देते हैं या उस पर पानी डाल देते हैं लेकिन आप समझिए कि यहाँ खड़े रहना कुछ भी देखना बेहद मुश्किल है। इंटरनेट नहीं चल रहा है, पूरे इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जैसे ही ये किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है, आंखों में जलन खांसी और इस पूरे इलाके में खड़ा रहना मुश्किल है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था पहले और ड्रोन यहां पर आकर के गोले गिरा रहे थे, हालांकि पंजाब सरकार ने उस पर आपत्ति जताई तब ड्रोन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं देखिए यहाँ जो लोग हैं इन्होंने ये इस तरह के शेल्स जो हैं टीयर शेल्स वो चले हैं और जब यहाँ पर गिरते आप समझ सकते हैं कि उसका असर कितना होगा। इसको न्यूट्रलाइज करने में दरअसल बहुत दिक्कत है क्योंकि जो किसान है वो आगे जाना चाहते हैं और पुलिस की भी कोशिश है कि वो नहीं चाहते कि आगे वो पहुंच पा रहा। आगे आपको दिखाते हैं मैं सीमेंट की पूरी बैरिकेडिंग, उसके पीछे मल्टी लेयर सिक्योरिटी सैंड बैग्स हैं, ठीक उसके पीछे आप देखेंगे तो एंटी रॉयड कंट्रोल व्हीकल्स और उसी के ऊपर तैनाती और वहां से जब गोले छोड़े जाते हैं तो काफी दूरी तय करके करीबन कई बार 40 से 50 मीटर भी आते हैं और जैसे आंखों में जलन होती है तुरंत इस तरह के जो पानी के टैंकर हैं ये रखे गए हैं गोलों पर डाल दिए जाते हैं और इनको बचाना बहुत जरूरी है वरना आंखों में जो जलन है वो आपको यहाँ खड़े नहीं रहने देगी। हालांकि कई बार जो हवा की रफ्तार है और हवा की जो दिशा है जब वो किसानों की तरफ आती है तो आप समझिए उसका असर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यही जब हवा की दिशा बदलती है तो जाहिर है वो दिक्कत दूसरी तरफ भी होगी। लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है, अनगिनत संख्या में आंसू गैस के गोले यहाँ छोड़े गए हैं और जाहिर है उसके चलते काफी कई घायल हुए हैं, चोटें लगी हुई हैं। ड्रोन को टैकल करने के लिए यहाँ पर पतंग भी उड़ाए जा रहे हैं और ये स्ट्रेटेजी दरअसल उन्होंने अपनाई है कि अगर ड्रोन आते हैं तो उनको जो है गिराया जा सके।